ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे एकादशी का प्राचीन महत्व और एकादशी में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भक्त लोग प्रभु विष्णु जी की आराधना करते हैं और पूरे दिन कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, संयम का पालन करते हैं और दूसरे दिन पारण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और पुण्य उदय होते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। एक बात और बता दें कि एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना पानी के व्रत रखने का महत्व है। इसे ही निर्जल रहना या कि निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार से निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर आप पूरे साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए, आज हम आपको एकादशी से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे समझकर आप व्रत करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इससे पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं, आप निर्जला एकादशी करते हैं तो कहीं ना कहीं पानी के महत्व को समझते हैं, जल के महत्व को समझते हैं, जल को कैसे बचाया जाए, अन्य लोगों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए इस भावना को भी बल मिलता है। जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है तब से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी का त्याग किया जाता है, यानी कि निर्जल रहा जाता है। यही कहलाता है निर्जला एकादशी का व्रत करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका आधार है धार्मिक मान्यता, जिसके अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से चंद्रमा द्वारा उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ उपवास रखने से ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। तीसरी बात यह है कि पूरी रात जागकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निर्जला एकादशी की रात को सोना वर्जित है, क्योंकि इससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करते रहते हैं। इस दिन गंगा स्नान को भी बहुत शुभ माना गया है। अगर गंगा स्नान आप ना कर पाए तो अपने घर की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर इस भावना को मन में रखें कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं और इस स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उनकी व्रत कथा को अवश्य सुने और यथाशक्ति उन्हें भोग लगाएं। चौथी बात है दान दक्षिणा की। ब्राह्मणों को कपड़े, छाता, दूध, फल, तुलसी पत्तियां आदि दान करना इस व्रत में बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा महत्व, इस व्रत में ये भी बताया गया है कि इस दिन चावल खाना सख्त मना होता है। इस व्रत को करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना भी मना है, परंतु इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्य कार्य है। दान में आप मीठे रसदार फलों का भी दान कर सकते हैं, जिसका भी अपना विशेष महत्व है। ये तो थी निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण और लाभदायक जानकारियाँ, जिससे आप अपने जीवन में समझकर उतार कर अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था।